राजधानी लखनऊ में फैंटेसी संस्था ने एक कल्चरल प्रोग्राम का किया आयोजन, जिसमें कई स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। विजेता बच्चों को दिया गया उपहार। पुलिस महानिदेशक ने ऑनलाइन बजट मॉनिटरिंग सिस्टम कार्यशाला का किया निरीक्षण और सभी डीडीओ और अकाउंटेंट से की चर्चा। चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बजट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से बजट की तत्काल जानकारी के साथ साथ बजट मैनेजमेंट में भी यह सहायक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने पारले चीनी मिल पर सेंडी के पेराई सत्र का किया उद्घाटन। इस मौके पर मंत्री ने 23 लोगों को सिलाई मशीन व 75 लोगों को कंबल किए वितरित। चीनी मिल के पेराई सत्र के उद्घाटन पर मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि किसान अधिक से अधिक गन्ना की पैदावार पर दे ध्यान। 100 क्विंटल से अधिक पैदावार करने पर ही किसानों का अच्छा मूल्य मिलेगा। भविष्य निधि घोटाले को लेकर राजधानी लखनऊ के शक्ति भवन पर बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी 48 घंटे की हड़ताल पर हैं। राजधानी लखनऊ में साइंस सिटी बिल्डर पर लोगों ने प्लाट न देने का लगाया आरोप। निवेशकों ने कहा कि बिल्डर न तो हमारे पैसे वापस कर रहे हैं और न तो दे रहे हैं प्लाट। लोगों ने कहा कि हम लोगों को अब अपनी गाड़ी कमाई डूबने का डर। पुराने लखनऊ में चला अतिक्रमण अभियान। कई अवैध दुकानों को किया गया जमींदोज। अतिक्रमण की वजह से रास्ते पर चलना हो गया था मुश्किल, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन ने की कार्रवाई। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में विद्या हॉस्पिटल में बेची जा रही है एक्सपायर दवाइयां। प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे लेने पर तीमारदार ने लगाया आरोप। कहा कुछ भी पूछने पर डॉक्टर व कर्मचारी करते हैं गुंडई। यूपी के आजमगढ़ के नगर पालिका में टेंडर को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया। ठेकेदारों ने लगाया आरोप। गिने चुने लोगों को ही देते हैं टेंडर फार्म। सैकड़ों ठेकेदार काम के लिए भटक रहे।